अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद महमूद एंड वेलकम टू साइंस। लास्ट वीडियो में हमने बबल डॉट आईओ में प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया था और उसके थ्रू ब्लेंडर यूआई को ऐड किया था। हमने दो प्लगइन्स को ऐड किया था, ऑफिशियल और कम्युनिटी। ऑफिशियल प्लगइन के साथ हमें एक ब्लेंडर यूआई मिल गई थी, लेकिन वो कस्टमाइजेबल नहीं थी। कम्युनिटी प्लगइन के साथ हमने एक फुली कस्टम ब्लेंडर यूआई को ऐड किया था और ये देखा था कि हम कस्टम एलिमेंट्स के थ्रू ब्लेंडर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में अब हम कंटिन्यू करेंगे कंपोनेंट एडिटर के साथ और उसको फुली अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली हमने अभी तक कंपोनेंट एडिटर में जो तीन टैग्स हैं उनको स्टडी कर लिया है, जो कि अपीयरेंस, लेआउट और कंडीशनल। हमारे पास कंपोनेंट एडिटर में टॉप बार में कुछ आइकॉन्स अवेलेबल हैं। इस वीडियो में हम वो देखेंगे कि वो आइकॉन्स क्या हैं, उनसे हमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो हमारे लिए क्यों यूजफुल हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं वो बेसिकली कंपोनेंट एडिटर की टॉप बार है। मैं यहाँ पर इस एलिमेंट पे डबल क्लिक करूंगा और ये कंपोनेंट एडिटर ओपन हो जाएगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि ये कंपोनेंट एडिटर इस पेज में फिक्स्ड था। उसका तरीका कार ये है कि आप व्यू पे क्लिक करेंगे और लॉक प्रॉपर्टी एडिटर, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया। इस वजह से अभी के लिए मैंने इसको अनलॉक किया। मैं फिर इस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ या डबल क्लिक कर सकता हूँ। डबल क्लिक और ये वापस आ गया। अब इस वीडियो में हम इस टॉप बार पे डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है, सबसे पहले इस कंपोनेंट का नाम, इसको एडिट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद चार आइकॉन्स हमारे पास अवेलेबल है। इस ऑप्शन को हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इस ऑप्शन के साथ। बेसिकली ये बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है और ये मोस्टली आपको ऑफिशियल प्लगइन्स में मिलेगा। जैसे कि ये एक कम्युनिटी प्लगइन है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि वो आइकॉन अवेलेबल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कम्युनिटी प्लगइन्स में हो नहीं सकता। इसका सिर्फ ये मतलब है कि इस जो कम्युनिटी डेवलपर है, इसने इस ऑप्शन को ऐड नहीं किया। ये ऑप्शन क्या है, मैं वापस इस पे आता हूँ। ये ऑप्शन बेसिकली एक इंट्रो वीडियो है इस कंपोनेंट की। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो बबल डॉट आईओ की टीम ने इस कंपोनेंट पे, जो कि बटन का कंपोनेंट है, एक वीडियो बनाई है और एक्सप्लेन किया है कि ये कंपोनेंट क्या है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। वंस अगेन कम्युनिटी प्लगइन्स में भी कुछ कम्युनिटी प्लगइन्स जहां पे के डेवलपर ने एक्स्ट्रा इस पे टाइम उस पे स्पेंड किया होगा, प्लगइन पे टाइम उन्होंने उस वीडियो को बनाया होगा और कंपोनेंट की वीडियो ऐड की होगी, जिसमें होगी वहां पे आपको वो प्ले आइकॉन आ जाएगा। ये आइकॉन आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप कोई एक प्लगइन, अगर आप कोई एक कंपोनेंट या किसी भी एक चीज को बेसिकली स्टडी करते हैं। जैसे कि वर्क फ्लो में मैं आता हूँ और यहाँ पे एक नया वर्क फ्लो रैंडमली ऐड कर देता हूँ। इस वर्क फ्लो को, ये एनालिटिक्स में चला गया, मैं कोई और वर्क फ्लो ऐड कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल वर्क फ्लो था तो इसके साथ भी एक वीडियो है और ये इस वर्क फ्लो को एक्सप्लेन करेगी कि अच्छा ये वर्क फ्लो कैसे काम कर सकता है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर दूंगा ताकि ये इशू ना करे और वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इस इन्फो आइकॉन को। ये जो इन्फो आइकॉन है, ये बेसिकली कंपोनेंट एडिटर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये आइकॉन तो बहुत छोटा सा, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक बड़ी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, एलिमेंट इंस्पेक्टर। ये बेसिकली इस आइकॉन के जो मेन्यू, जो कंपोनेंट है वो उसका नाम है। और इसमें आप इस एलिमेंट की, इस कंपोनेंट की कस्टम स्टेट मैनेज कर सकते हैं, इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एलिमेंट पे कौन कौन से एक्शंस लगे हुए हैं और अगर कोई और एलिमेंट, इस कोई और कंपोनेंट इस कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है तो उसको देख सकते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल होगी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, कैलेंडर मंथ पे, और फिर इस एलिमेंट इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें कस्टम स्टेट ऑफ भी नहीं है और इवेंट भी नहीं है, लेकिन इस पे दो एक्शंस लगे हुए हैं जो कि प्रीवियस मंथ और नेक्स्ट मंथ, दो वर्क फ्लोस हमारी ऐप में इस तरह के हैं जो कि इस एलिमेंट के बेसिकली स्टेट को चेंज कर रहे हैं, इंटरनल स्टेट को, इस स्टेट को नहीं, कस्टम स्टेट को नहीं।
और चार ऐसे अदर एलिमेंट्स हैं जो जिनके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है, जिनमें से ये लास्ट एलिमेंट इस पर डिपेंडेंट है, ओके, क्योंकि वो इस एलिमेंट से डेट निकाल रहा है और उसको डिस्प्ले करवा रहा है। ये तरीका कार है। जो ये कस्टम स्टेट है, ये बेसिकली वन ऑफ द एडवांस कॉन्सेप्ट है इस bubble.io प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट मैं आपको इस कस्टम स्टेट को ब्रीफली यूज करके दिखाऊंगा कि ये किस किस तरह से यूज की जा सकती है, लेकिन इस पे लेटर डाउन द कोर्स इस पे हमारे पास वीडियोस होंगी, जिसके जबकि हम कस्टम स्टेट को यूज करते हुए यूआई एलिमेंट्स की स्टेट को कंट्रोल करेंगे, शो करवाएंगे, हाइड करवाएंगे, कंटेंट चेंज करवाएंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और भी काफी कुछ। अभी के लिए मैं आपको क्विकली इस कस्टम स्टेट को यूज करके दिखाऊंगा ताकि आपको एक ब्रीफ हिंट मिल जाए कि ये कस्टम स्टेट कितनी पावरफुल है bubble.io। इस कस्टम स्टेट को आपको शो करवाने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पर एक ग्रुप को ऐड कर लूंगा, अपने काम को आसान रखने के लिए ग्रुप ऐड हो गया, उस पर मैं एक टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। लेट्स से मैं टेक्स्ट ऐड कर दिया कि चेंज माय टेक्स्ट। मैं इसको जितना सिंपल हो सकेगा उतना सिंपल रखूंगा ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट पे मूव कर सके, क्योंकि इस पे हमारे पास बाद में वीडियोस हैं और हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और क्लिक मी। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है चेंज माय टेक्स्ट, ये चेंज हो के कुछ भी इसकी वैल्यू सेट कर दे। लेट्स से फॉर नाउ हम इसकी वैल्यू हेलो वर्ल्ड सेट कर देंगे। उसका तरीकाकार ये है, सबसे पहले मुझे इस पे आना पड़ेगा इस टेक्स्ट पे और इसकी इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, बेसिकली इसका इंस्पेक्टर ओपन करना पड़ेगा। मैं एक कस्टम स्टेट ऐड करूंगा इसका कंटेंट, ये मैंने नाम दे दिया, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, एक यूजफुल नेम होना चाहिए। टाइप क्या है? टेक्स्ट है, टेक्स्ट टाइप है। क्रिएट करूंगा और डिफॉल्ट वैल्यू मैं इसकी कह देता हूं चेंज माय टेक्स्ट। बेसिकली ये वो वैल्यू है जो मैं यहां पे चाहता हूं कि यूज हो। इसको खत्म करूंगा, डायनेमिक को यूज करूंगा और मैं ये करूंगा कि डायनेमिक टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं बेसिकली इस एलिमेंट को सर्च करूंगा। यहां पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं ताकि मेरे लिए इजी हो, चेंज माय टेक्स्ट एलिमेंट। कॉपी भी कर लूंगा, वापस यहां पे आऊंगा और यहां पे इसको सर्च कर लूंगा, ये इजीली मेरे सामने आ गया। इसे सेलेक्ट करूंगा और यहां पे आप देख सकते हैं कि कस्टम स्टेट्स में मेरे पास वो आ रहा है, इसको एंटर कर दूंगा, दैट्स इट। और अगर मैं अभी इसको प्रीव्यू करूंगा तो आप देखेंगे कि चेंज माय टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कभी करके देखा था, लेकिन यहां पे मैं आपको एक दफा फिर गो थ्रू करा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं जब इस पे क्लिक हो तो इसका टेक्स्ट चेंज हो जाए हेलो वर्ल्ड पे। ऐड वर्ड फ्लो करूंगा, यहां पे क्लिक करूंगा और यहां से एलिमेंट एक्शंस, उसमें मैं कह दूंगा कि सेट स्टेट, इसमें एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा, वही एलिमेंट होगा, उसकी स्टेट को करूंगा कंटेंट स्टेट है और उसकी वैल्यू को मैं कह दूंगा कि अभी के लिए आर्बिट्रेरी टेक्स्ट हो जाए हेलो वर्ल्ड क्लोज, और ये मेरा एक्शन है। प्रीव्यू करते हैं और इस पे क्लिक करूंगा हेलो वर्ल्ड। इसी के साथ आप सोच सकते हैं कि जैसे अगर आप बैकग्राउंड आपकी रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट या एंगुलर में से है तो आप सोच सकते हैं कि हम किस किस तरह के एक्शंस इस पे परफॉर्म करवा सकते हैं। हम यूआई एलिमेंट्स को हाइड, शो, फॉर्म हैंडलिंग और भी बड़ा कुछ इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे इस ऑप्शन से और मैं वापस आ जाऊंगा डिजाइन टैब में। और नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे इस चैट आइकॉन, इस कमेंट आइकॉन से। बेसिकली ये जो आइकॉन है ये इस कंपोनेंट के नोट्स को ओपन करेगा, नोट्स मेन्यू। ये क्यों हेल्पफुल है? आप इसको जो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है उसमें जो कमेंट्स का रोल होता है, bubble.io में कंपोनेंट्स पे नोट्स का वो रोल है कि आपने कोई भी नोट ऐड करना है, कोई भी कमेंट ऐड करना है लेटर रेफरेंस के लिए या दूसरे डेवलपर्स के लिए। लेट्स से कि आपने एक प्लगइन बनाया, कम्युनिटी प्लगइन, और उसमें कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट या इवेंट या कुछ भी है, तो आप उसके नोट्स में उसको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि यूजर के लिए उसको यूज करना आसान रहे। यहां पे मैं कह देता हूं दिस इज ए सिंपल क्लिक मी बटन,
आप कुछ भी इस तरह ऐड कर सकते हैं और क्लोज करते हैं। बेसिकली जब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कोई नोट नहीं था ऐड तो वो खाली था, ये आइकॉन जैसे कि मैं इस पे जाता हूँ नोट नहीं ऐड, तो इस तरह जिसमें नोट ऐड है और इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है शो ऑल, उस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि ओके एक कंपोनेंट है जिसपे नोट ऐड है, अगर मैं उसको क्लिक करूंगा तो वो उस कंपोनेंट पे चला जाएगा और उसका नोट मैं शो कर सकता और उसका नोट मैं रीड कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट अब हम लास्ट ऑप्शन को स्टडी करेंगे जो कि है ये क्लोज आइकॉन। होपफुली आपने गैस कर लिया होगा, ये मेरा एक छोटा सा जोक है, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये क्लोज हो जाएगा, इसका यही मकसद है। वापस हम इस एलिमेंट को यहाँ पे लॉक कर लेंगे और इसी के साथ हमारा आज का सेक्शन कंप्लीट होता है। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।